दोस्तों स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स आज हमारे साथ है रवि भाई और हम आए हैं आज मानव संग्रहालय, जहां पर इंटर फीस मात्र 50 रुपये है। तो फ्रेंड्स चलते हैं मानव संग्रहालय में और आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्या क्या चीज़ जो अच्छी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ। जानकारी लेते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, हम तो अभी पहली बार आए हैं यहाँ पर, ये पहले आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं माइक रवि भाई को देता हूँ और ये बताएंगे कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मानव संग्रहालय में, जो कि भोपाल में है, जो कि एक फेमस जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने लोग जैसे गोंड, भील आदि लोग, कैसे उनकी परंपरा, कैसे शादी होती थी उन लोगों में, कैसे वो पहनते थे, सब यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखो आइए हम बताते हैं आपको ये पुराने ज़माने के घर कैसे रहते थे। बहुत शानदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये देख लीजिए। आइए इधर आगे, ये पुराने ज़माने के मटके वगैरह हुआ करते थे। आइए इधर एक भगवान की प्रतिमा भी है, आइए दिखाते हैं, जो कि पुराने ज़माने के भील, गोंड वगैरह आदिवासी समाज के लोग पूजा करते थे। ये देखिए पुराने ज़माने के कैसे, आइए हम आपको ले चलते हैं आगे। यहाँ पर एक प्रतिमा है, जो कि इतना नॉलेज तो मुझे है नहीं ये किसका प्रतिमा है, लेकिन एक पुरानी, ये यहाँ पे तो अभी स्टार्टिंग हुई है दोस्तों। आइए हम आपको और ले चलते हैं आगे, हैं यहाँ पे थोड़ा आगे, जो कि यहाँ पे अब आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे घर हुआ करते थे, कैसे गांव हुआ करता था, पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे, उनके घर के अंदर क्या हुआ करता था, क्या बर्तन हुआ करते थे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए ये यहाँ का द्वार है और देखिए आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर बहुत सी जानकारी है, बहुत अच्छा लगता है, आप भी घूम सकते हो, जो कि भोपाल शहर में पड़ता है, मानव संग्रहालय के नाम से बहुत ही फेमस है। आइए फ्रेंड्स हम आप ये देखिए यहाँ पे पुराने ज़माने की झोपड़ी और घर वगैरह किस प्रकार हुआ करते थे। आइए हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस साइड आप देख सकते हैं बहुत ही पुराने ज़माने के घर कैसे हुआ करते थे। फ्रेंड्स यहाँ पर फैमिली वगैरह भी घूमने आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट है यहाँ पर।